जैसा कि आपने सुना भी मेरी बेटी ने बताया, और सच में ये हफ्ता उसके लिए बहुत मुश्किल रहा। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और हम लोग गए थे कहीं पे तो उसको वहाँ पे भी उसको लूज मोशन हो गया था मतलब। लेकिन आ रहे थे जब उसने परेशान किया कि मम्मी बहुत मैं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। उसको पूरे रास्ते में भी नहीं हुआ कुछ, और जब वहाँ पहुँचे हम स्कूल में गए थे तब भी उसे कुछ नहीं हुआ, और घर में आके भी नहीं करा उसने। लेकिन उसको लग रहा था तबीयत खराब थी, लेकिन परमेश्वर साथ था। और उसको वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और जो भी वो खा रहा था उसको पच नहीं रहा था। तो मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद बाहर से कुछ खाया। मैंने कहा नहीं, बाहर से तो नहीं खाया कुछ, या बाहर का खाना खाया कुछ। मैंने कहा नहीं, लेकिन पता नहीं उसको कुछ पच नहीं रहा था, वो वॉमिटिंग कर रहा था। बहुत ज़्यादा कमजोरी भी थी, तो जब मैं वॉमिटिंग की दवाई लेके आई तो वॉमिटिंग तो ठीक हो गई, बट उसको अगले दिन लूज मोशन। फिर मैंने कहा क्या करूँ गॉड, इसको तो एक चीज़ ख़त्म हुआ तो दूसरा हुआ, बट ये भी गॉड का ग्रेस है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब दूसरी दवाई ले। मैंने कहा दवाई ज़्यादा खाना भी सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती जब बीमार होती हूँ। तो उसको मैंने नहीं दिलाई दवाई लूज मोशन की। वो अपने आप ही कल पूरा ठीक रहा वो पूरे दिन, और पूरे 6 दिन तो बहुत बीमार था, और बीमारी से उसको बहुत कमजोरी थी। उसके हाथ पैर में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था और वो कुछ खा भी नहीं रहा था। लेकिन कल से वो थोड़ा ठीक है और आज हमारे बीच बैठा है। ये किसकी गॉड का ग्रेस है और वो अभी ठीक है। और आगे आप लोग थोड़ा प्रेयर में याद कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा कमजोरी है, वो ठीक हो जाए।